हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के बीच एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो गाइस शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए गाइस, हमने एक शिमला मिर्च तोड़ ली है, एक लाल मिर्च, एक पीली मिर्च और एक हरी मिर्च को भी हमने तोड़ दिया है। गाइस हमने एक बड़ा शिमला मिर्च और दो छोटी छोटी शिमला मिर्च ली है, एक पीली मिर्च, एक लाल मिर्च, एक हरी मिर्च और एक बड़ा प्याज ले लिया है। हमने कुछ हरे और कुछ लाल टमाटर का यूज़ किया है और कुछ हमारे पास चेरी टमाटर है। तो चलिए गाइस इनको हम रफली चॉप कर देते हैं। देखिए हमने प्याज और मिर्च को रफली चॉप कर दिया है और टमाटर को हम रफली चॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका मिक्सर में एक फाइन पेस्ट बनाना है। हमारे जो टमाटर है वो भी कट चुके हैं। अब शुरू करते हैं हम अपनी शिमला मिर्च को काटना। इसके पहले तो हम सीड को रिमूव कर देंगे। जो हमारी आज की डिश है उसमें हम शिमला मिर्च का पेस्ट यूज़ करेंगे। शायद ही आज तक किसी ने पनीर की जो रेसिपी है उसको शिमला मिर्च के पेस्ट के साथ बनाया होगा। तो गाइस चलिए हम आज इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम इनका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। हमने कुछ लहसुन की कलियाँ ली है, इनको भी हम रफली चॉप कर देंगे, फिर हम इनका भी पेस्ट बनाएंगे। जो ये हमारी लहसुन है ये हमारी लोकल लहसुन है, तो गाइस देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पेस्ट बनाना। हमने मिर्च को ग्राइंडर में डाल दिया है, अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। हम अपनी लहसुन को भी अब इसमें ही डाल देंगे। अब जो हमने रफली अपने अनियन चॉप करे थे इसका भी हम एक पेस्ट बना देंगे। देखिए गाइस हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। गाइस ये है हमारे शिमला मिर्च का पेस्ट, ये है टमाटर की प्यूरी, ये है हमारा होममेड पनीर। हम आज की डिश में इसी पनीर का यूज़ करेंगे, ये हमने घर पे खुद बनाया है। इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। पनीर को फ्राई करने के लिए हमने सरसों का ऑयल लगा दिया है, अब हम इसे गर्म होने देंगे। देखिए गाइस इससे धुआं निकल गया है, अब ये बिल्कुल रेडी है अपनी पनीर को फ्राई करने के लिए। तो चलिए गाइस अब हम अपनी पनीर को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी सारी पनीर को फ्राई कर दिया है, देखिए इसमें एक लेयर सी लग गई है। अब हम अपनी पनीर को पानी में डाल के रख देंगे, बिकॉज़ अगर हम पनीर को पानी में रखते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाता है और जो हमारी पनीर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है। तो गाइस जब भी आप पनीर बनाएं और उसको फ्राई करें तो पानी में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी के लिए तड़का बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए गाइस हमने तेल में तीन चार लौंग और दो छोटी इलायची डाल दी है। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे अपने तेल में और फिर इसमें हम अपने कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे। हमने इसमें प्याज का पेस्ट भी यूज़ करना है और कुछ कटे हुए प्याज भी। अब हम इसे हल्के से चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज मिर्च और अपनी जो लहसुन है उसके पेस्ट को। और हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि जो प्याज का पेस्ट है वो तेल में अच्छे से घुल जाए। हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। देखिए गाइस हमारा जो प्याज है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे। अब हम इसमें आधा चम्मच मेथी पाउडर को डालेंगे। हमने इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें धनिया का पाउडर डाल दिया है, जो ये पाउडर है ये सारे हमने घर पे खुद बनाए हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। अब हम अपने तड़के में हल्दी को ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि जो हल्दी है वो हमारे मसालों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा तड़का है वो हमारी प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस प्यूरी को पकने के लिए रख देंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो इसे सेपरेट ना होने लगे। इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया है, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। देखिए गाइस, जो हमारी प्यूरी है वो उबलने लग गई है। ये हमने इसमें डाल दिया है अपने शिमला मिर्च का पेस्ट। अब हम अपनी ग्रेवी में पनीर को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इस पनीर को चावल के साथ खाना है तो हम इसमें पानी भी डालेंगे। अगर आप लोगों को फुलके के साथ खाना हो तो इसमें हल्का सा ही पानी डालिएगा, पर मुझे तो चावल के साथ खाना है तो मैं इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करूँगी। हमने इसमें पनीर को भी मैश करके डाल दिया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखिए गाइस, हमारी पनीर कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पनीर की रेसिपी को। गाइस, आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, मैंने नोटिस किया है कि लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।